हलो असलैक आज हम केसेस ऑफ़ नाउन को डिस्कस करेंगे कि केसेस ऑफ नाउन क्या है अ नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस इज यूज्ड आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पर अगर कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो वो आइधर या तो वर्ब की एज अ सब्जेक्ट तौर तो इस्तेमाल करते हैं या उस वर्ब का ऑब्जेक्ट तौर तो इस्तेमाल करते हैं अब हम हाँ, आज हम देखेंगे कि अगर कोई इसम अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ, किसी वर्ब में किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया और वो एज अ सब्जेक्ट है तो उसका क्या केस क्या होगा उसे हम क्या कहेंगे और अगर वो ऑब्जेक्ट और तो इस्तेमाल हुआ तो उसकी पोजीशन क्या होगी आज हम देखेंगे एक तो इसका जो जो केसेस ऑफ नाउन की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्टिव केस इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं उसके बाद सेकेंडली एक होता है अक्यूजेटिव केस अक्यूजेटिव केस जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं उसके बाद एक होता है पॉजिटिव केस ये तीनों दीज आर दाइप्स ऑफ दीज आर केसेस ऑफ नाउ कोई भी इसम या जमीर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो एज अ सब्जेक्टिव केस और केस या पॉजिटिव केस इस्तेमाल किया जाएगा सेंटेंस में अब सब्जेक्टिव केस क्या है ऑब्जेक्टिव केस क्या है और पॉजिटिव केस क्या है वेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वेन अ नाउन आर अ प्रोनाउन इज यूज एज अ सब्जेक्टिव केस ऑफ अ वर्ब ज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस अगर कोई भी इसम या जमीर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है वर्ब का तो वो उसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस अगर प्रोनाउन की मैं बात सॉरी अक्टिव केस की मैं बात करूं तो वेन अ नाउन आर प्रोनाउन नाउन वेन अनाउन आर प्रोनाउन इज यूज इज यूज एज ऑब्जेक्टिव और अक्यूजिटिव एज ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात किया गया हो ऑब्जेक्टिव या अक्यूजिटिव हम इसे कहते हैं अक्यूजिटिव अक्यूजिटिव केस इन द सेंटेंस तो उसे हम इज कॉल्ड अक्यूजिटिव केस वेन अ नाउन आर प्रोनाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ दर्ब इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस वेन अ नाउन आर प्रोनाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑफ वर्ब तो उसे हम एकटिव केस कहते हैं उसके बाद अगर कोई भी नाउन सॉरी अगर जब किसी चीज की ओनरशिप या पोजिशन की बात हो ओनरशिप आर पोजीशन की जब हम नाउन या प्रोनाउन की पजेशन या ओनरशिप की बात करें तो वो होगा हमारा आज केस हम शार्टली इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे बात जो है ना जो वीडियो है जो हमारा लेक्चर है वो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अपलोड करना मुश्किल होगा तो इसलिए मैं रिमूव कर देता हूं अगर आपको ये चीज़ें लिखनी है तो आप ले लेक्चर को पास कर लें और उसके बाद इनको आप देख लें या इनकी आप इस्क्रीन शॉट ले लें अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे ठीक है अब सबसे पहले जो सब्जेक्टिव केस है उन चीज़ों को हम उनकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हम देखेंगे ओके फॉर एग्जांपल आई परचेज अ बुक अ बुक वाज परचेज ठीक है he broke a glass uske baad aslam's mother is a lady teacher उसके बाद मदर्स लव कैन नेवर एन फॉर हर सन्स तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं आई परचेज अ बुक तो यहां पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया ये एज अ सब्जेक्ट और इस्तेमाल किया गया उसके बाद यहां पर आ, अगर बुक की बात करूं तो ये एज अ ऑब्जेक्ट है और यहां पर अब बुक एज अ सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया उसके बाद ही ब्रोक अ ग्लॉस तो अब ये जो ही है इट इज यूज एज सब्जेक्टिव केस अगर मैं ग्लॉस की बात करूँ तो ये एज अ ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया गया असलम्स मदर मदर्स लव ये पजेसिव केस हैं पजेसिव केस जो थर्ड टाइप है अब आई एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा अब इनको हम पर कैसे इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जाम्पल ही कॉल्ड मी आई कॉल्ड हिम अब यहां पर जो ही है इट इज यूज एज अ सब्जेक्टिव केस और यहां पर जो मी है इट इज यूज एज ऑब्जेक्टिव केस अब यहां पर मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो है आई तो यहां पर इट इज यूज एज अ सब्जेक्टिव केस और जो हिम है इट इज यूज एज एन ऑब्जेक्टिव केस ठीक है तो आप इन केसेस को याद करें इससे पहले जो मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन को डिस्कस किया था वहां पे हमने एक टेबल बनाया था जिसमें हमने सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस को डिस्कस किया था आप वो चीजें याद करेंगे तो फिर आपको ये चीज समझ में आएगी और यूजुअली जो सब्जेक्ट है इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस तो सेंटेंस के शुरुआत में और वर्ब से पहले हम अक्सर जो है सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं ठीक है उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया इनके एग्जाम्पल्स बताए हैं अच्छा अब एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये कौन सी बला है सेंटेंस कभी कभी आप स्टडी करेंगे <coughs> तो वहां पर दो दो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं दो दो ऑब्जेक्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड मी स्टोरी ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है मेन वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है और ये एक आर्टिकल है इसको तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट क्यों आया अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है ठीक है एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब यहां पर जो मी है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे जब भी दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हैं और वो ऑब्जेक्ट जिसका डायरेक्ट लिंक हो विथ सब्जेक्ट वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद जो है वो वो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारा आएगा अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब वो यहां पर ही टोल्ड मी किसको इसने स्टोरी इस बताया ही ने किसको स्टोरी बताया मी को यानी मुझे बताया तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आई बात समझ में उसके बाद रामा गेव हरी रामा गेव ए, ए, जो सॉरी रामा गेव हरी अबाल रामा गेव हरी अब रामा ने जो है हरी को एक बाल दे दिया अब यहां पर रामा सब्जेक्ट है गेव वर्ब है हरी ऑब्जेक्ट है ए, ए अपना ऑर्टिकल है और बाल जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है यहां से हम आप देखें कि रामा के साथ किसकी डायरेक्शन जो है वो कनेक्शन है बाल की है या हरी की तो रामा टू होम ही गेव अ बाल रामा को तो रामा इज इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो बाल है वो डायरेक्ट

पजेशन को एपस्ट्राफी को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम बात देखते हैं कि कभी कभी पजेशन के लिए हम ऑफ को भी इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी हम एपिस्ट्रॉफी या एपस्ट्राफी विथ एस भी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है जैसे कि फ़ॉर एक्ज़ाम्पल असलम्स फादर डाइड ठीक है और उसके बाद क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द फादर ऑफ असलम द फादर ऑफ असलम द लेग ऑफ टेबल ठीक है तो इसमें क्या फ़र्क है इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है और उसमें आप कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ए एस कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो ये हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू अल्लाह हाफिज